बाकी कुछ हो ना हो, बट अगर बॉस ये ना हो ना, आपकी तो मौत है भाई। इतनी पागल जैसी ठंडी है इधर। माशाल्लाह क्या मनाजिर है यार। जब ये है तो जन्नत कैसी होगी? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यौम आशुरा यानी दसवां मुहर्रम। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दिन हमें खूब तौबा इस्तगफार करनी चाहिए, क्योंकि मुहर्रम जो है अल्लाह का दिन है। और इसी दिन में अल्लाह पाक ने बनी इसराइल की कौम की तौबा कबूल अता फरमाई थी, और इंशाल्लाह अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि वो आगे की कौमों की भी तौबा कबूल अता फरमाएंगे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि हमें आशुरे के दिन की रोज़ा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी फजीलतें उनसे उस रोज़े से जुड़ी हुई हैं। और इंशाल्लाह ये एक दिन का रोज़ा आपके पिछले साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाए। और ये रोज़ा आपको जब रखना है तो आपको नौवां और दसवां रोज़ा रखना है। दो रोज़ा रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी भी वजह से आपका दूसरा नौवां रोज़ा छूट गया है तो आप दसवां और ग्यारहवां रोज़ा रख सकते हैं। तो आप उसे रखिए और खूब तौबा इस्तगफार करिए दोनों रोज़े के दिन। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि दसवें आशुरे के दिन हमें अपने घर वालों पे दिल खोल के खर्चा करना चाहिए, और अगर हम ऐसा करते हैं तो अल्लाह पाक हमें पूरे साल की रोज़ी में खूब बरकत नसीब अता फरमाते हैं। तो आप दोनों रोज़े रखिए, खूब तौबा इस्तगफार करें और अपने घर वालों पर दिल खोल के खर्चा करिए दसवें आशुरे के दिन।